from the worst team, 91.6%. I think we should not end with us. From the country, Kerala Gopal, 96.6%. My teachers and all of my friends and everyone who helped me to achieve this feat, because it was not easy given the pandemic and everything. It was very difficult to study and to provide focus, and our teachers gave their utmost best and provided us with every help we can. Thank you. Good morning. Myself Udesh Sharma. I am a student of class 11th currently, and I passed my class 10th with 94.2%. And I would like to thank my parents, my teachers, and my school, Birla Open Minds International School, Jammu, which provided a great environment in order to study and concentrate on every subject. And I would like to thank my principal and my subject teachers who were always there to support me. Thank you. I am Kamakshi Galutra, and I have got 93.6% in class 10 CBSE. I would like to thank my principal, my dedicated teachers, and all the staff members who have created a better environment by providing me an opportunity and good guidance for achieving my goal. I feel very proud after scoring such a good marks. This whole credit goes to none other than my teachers and my parents who supported me, guided me, and helped me every time. Thank you so much. यही इस टाइम आई थिंक ये बहुत ही सेलिब्रेशन का मोमेंट है हम सबके लिए, जहां हमें सबको पता था 2 साल से बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कोविड है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे. इतने सारे टफ चैलेंजेस के बाद भी जब इस तरह का रिजल्ट आता है, आई मीन हर बच्चा जब CBSE में दो बार इस बार बोर्ड एग्जाम्स दे रहा है, तो इस तरह का रिजल्ट देख के मुझे ये लगता है कि हम सबको बहुत प्राउड फील होना चाहिए, ना सिर्फ हमारे खुद के बिरला के बच्चों के लिए, बाकी हर उस बच्चे के लिए जो 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहा है और इतने अच्छे नंबरों से पास हो रहा है. तो आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर ईच स्कूल, एंड स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट बिरला इंटरनेशनल स्कूल, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ ईच ऑफ आवर स्टूडेंट हु परफॉर्म सो वेल इन देयर एकेडमिक्स. सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था, तो कितना ज़्यादा चैलेंज उस वक्त स्कूल के लिए बना हुआ? सर डेफिनेटली कोविड सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ना सिर्फ स्कूल के लिए. मुझे लगता है हर एक बिजनेसमैन, एक हॉस्पिटल्स और एक फ्लाइंग इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. मगर जहाँ हम बात करते हैं कि जो यूथ जिसने कल देश संभालना है, उसको एजुकेट करना है एक सही टाइम पे, उसके लिए तो ये बहुत प्राइम ईयर थे. मगर मेरे टीचर्स और स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, उन्होंने किस तरह से हर बच्चे के पास रीच आउट करने की कोशिश की इन टफ टाइम्स में. स्कूल इंश्योर दैट ईच एंड एवरी लर्निंग मटीरियल शुड रीच टू स्टूडेंट. उस जैसे ही कोरोना ओपन हुआ, वी इनिशिएटेड क्लासेस अगेन, बच्चों को स्कूल में बुलाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रिसोर्स मटीरियल प्रोवाइड कराया गया. आई थिंक ये एक कंबाइंड एफर्ट है, पेरेंट्स के साथ हर टाइम बात करते रहना, बच्चे की असेसमेंट लेते रहना. एक एक टीचर ने ऐसा काम किया जैसे शायद घर में बैठा हुआ एक पेरेंट बच्चे को विजिलेंट करता है. मुझे लगता है टीचर्स के लिए बहुत सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी ये टीचर्स के लिए थी और पेरेंट्स के लिए थी मोर देन स्टूडेंट्स. सो आई थिंक बिग एक्नॉलेज टू ऑल द टीचर्स. ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे हो. लाइक अगर नशे की बात करें तो नशाखोरी हमारे देश में बुरी तरह से फैल रहा है, तो आप बच्चों को किस तरह एजुकेट कर रहे हैं कि नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स की तरफ जो हमारा यूथ है वो ज़्यादा आगे हो? देखिए बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से स्पोर्ट्स को इनकरेज करता है. अगर हम आज भी बात करें तो हमारे स्कूल में पहले शुरुआत के 45 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स को दिए जाते हैं, जिसके लिए एक पूरी टीम, स्पेशल कोचेज की टीम डेडिकेटेड है, जो कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रुचि लेके जा रही है. क्योंकि जब बच्चों का एक इंटरेस्ट एक तरफ बिल्डअप होने लगता है, जब वो अपने टैलेंट या अपने करियर को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं जो हम बात करते हैं, ड्रग्स या पूरी सोसाइटी, वो उससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि हम उनकी बॉडी एंड माइंड बिल्डिंग पे काम करने लग जाते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन स्ट्रॉन्ग माइंड्स, आई थिंक वी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद सच थिंग्स और गेट एक्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि हम उनकी बॉडी एंड माइंड बिल्डिंग पे काम करने लग जाते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन स्ट्रॉन्ग माइंड्स, आई थिंक वी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद सच थिंग्स और गेट इन्फ्लुएंस्ड. अदर देन दैट हमारे पास यहाँ बहुत सारे सेमिनार्स हम कंडक्ट करवाते रहते हैं. जैसे अभी कल हमारे पास यहाँ पर एक और सेमिनार होने वाला है रिगार्डिंग ट्रैफिक पुलिस इज गोइंग टू कंडक्ट इट. सो इस तरह की रेगुलर सेमिनार हेल्प करती हैं टू रीच आउट टू देयर गोल एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. मैडम आपने ये पूछूंगा कि जिस प्रकार से अगर कोविड की बात करें तो कोविड के मामले धीरे धीरे फिर से बढ़ रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे?
मुझे यही लगता है कि अब हम सबको दो साल में ये सीख जाना चाहिए कि कोविड ने हमें, हम ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं कोविड के साथ, ये तीसरा साल है. सो अगर अभी भी नहीं सीखे तो शायद कभी भी नहीं सीख पाएंगे. नाउ दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग. बच्चे मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, टिफिन अपने शेयर नहीं करते, अपनी स्टेशनरी शेयर नहीं करते. और पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि जब बच्चे को घर से भेजे तो उसको सारे कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में अवेयर करा के रखें. सैनिटाइजेशन एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आई थिंक वी ऑल नीड टू अप्लाई दैट एंड कीप वेयरिंग मास्क. सो दैट इज़ ऑल.